बात करी वो है विवेक जी, हमारे दिल और जहन में हमेशा आता था कि गांधी जी के बारे में बहुत गंदे थॉट्स रखते थे, अभी भी हम गांधी बुढ़ा बोलते हैं, बट जब हम गांधी जी को जानते हैं तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है गांधी जी, है ना। जब हम नहीं समझते किसी चीज़ को तो हमको लगता है कि अरे वो छोटी सी चीज़ है ना, बट जब हम उनको बड़े होते चले जाते हैं, जब उस पाकिस्तान में अपने पार्लियामेंट में संसद भवन होता है वहाँ उन्होंने गांधी जी की फोटो लगा के रखी है, बताइए जो हमारा सबसे ज़्यादा दुश्मन है उसने भी गांधी जी की फोटो लगा के रखी, मतलब गांधी जी सो ग्रेट, दुनिया के लगभग लगभग हर कंट्री में गांधी जी की फोटोज हैं या फिर स्टैचू है। तो उन्हीं कैरेक्टर्स में हमारे इंडिया में एक और शख्सियत हुए और उनका नाम था विवेकानंद। ऐसे कैरेक्टर होते हैं हमारे भारत में जो ना किसी धर्म से ना किसी मजहब से जुड़े थे, है ना। वो इतने बड़े शख्सियत थे कि उनका ये मानना था कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है तो वो है मानव सेवा, और अगर हम किसी भी व्यक्ति को कठिनाइयों में देख रहे हैं और अगर हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इंसान नहीं होते। इसी प्रकार से उन्होंने बोला था कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और एक निरक्षर व्यक्ति को अगर आप साक्षर नहीं कर सकते तो इससे बड़ा कुछ नहीं सकते। ये सारे कोटेशन देखिए हम इन्हें लिखवाया हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं कोटेशन को। उन्होंने बोला उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सको। तो आप अपने एक लक्ष्य को बनाइए और उस लक्ष्य पर जब तक चलते रहिए तब तक चलते रहिए जब तक वो अचीव ना हो जाए। गांधी जी की तरह विवेकानंद भी उन्होंने एक मिशन स्थापित किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। वो रेड क्रॉस के बाद दुनिया में ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ कभी भी भुखमरी अकाल बाढ़ आपदा कहीं भी आता है तो इसके जो मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और तुरंत हेल्प करते हैं। मतलब विवेकानंद जी का जो थॉट्स था सेवा का, मानव सेवा ही नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा, मतलब अगर आप एक इंसान को अच्छे से गरीब को खिला देते हैं, एक अपंग को उसका रास्ता दिखा देते हैं, उसको मदद कर देते हैं तो वो भगवान की इबादत है, वो पूजा। और वास्तव में हम इस विचार से बहुत प्रभावित हैं कि अगर इंसानियत पे ही आप अपनी चीज़ों को रखें तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी हटके हुए को, किसी बुजुर्ग को, किसी अपंग अपाहिज को अगर आप मंजिल तक पहुँचाते, उसको रास्ता तक दिखाते, किसी मरीज को, किसी विकलांग को अगर आप सहायता करते तो इससे बड़ी ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती। तो पूरा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो या विवेकानंद का थॉट्स, और यही बात है कि ये सोसाइटी जो रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब मुस्लिम देशों तक ये फैली हुई है, और जैसी वहाँ कोई दुर्घटना होती तुरंत ये सेवा करना लग जाती है। पाकिस्तान जैसे देश में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी बताइए कट्टर मुस्लिम देश है, फिर उन्होंने क्यों रामकृष्ण मिशन सोसाइटी को स्थापित कराया, क्योंकि इसके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। जहाँ भी दुनिया में कहीं भी कोई बाढ़ आ जाता है तो उनको फूड्स खिलाना, खाना प्रबंधन करना, उनकी व्यवस्था करना रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन लोग मुख्य तौर से चार भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो भाग है वो है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीत काल और चौथा है आपका आधुनिक काल। भक्ति काल 1375 से शुरू होके 1700 तक चलता है और 1700 से 1900 का जो समय है उसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। 1700 से आज तक का जो समय है 1900 से जो आज तक का समय है ये समय क्या है आधुनिक काल, और इन चारों कालों के चार चार भाग यदि हमने किया तो कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे जो अपना प्रारंभिक काल है आदिकाल है, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो चंद्र वर्गाई हैं और उनका जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज। अब भक्ति काल की यदि बात करते हैं तो भक्ति काल चूंकि स्वर्ण युग है, क्या है स्वर्ण युग है, तो इसके दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है, पहला जो भाग होता है वो कहलाता है सगुण भक्ति काल, दूसरा भाग सगुण की दो शाखाएं हैं राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा और निर्गुण की दो शाखाएं प्रेम वाली शाखा।
सभी जो प्रमुख है। तो यदि अपन राम भक्ति की बात करें तो संत गोस्वामी और कृष्ण की बात करते हैं सूरदास। आप चलते हैं अपन निर्गुण में, निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, और प्रेम मार्गी शाखा जो है उसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जयसिंह।